वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एकेडमी। यह वीडियो नॉन हिंदी का है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कहानी है। यहाँ पे देखेंगे इस कहानी में नाइन नेशन में अशोक का शस्त्र त्याग। आखिर जो महान राजा सम्राट अशोक, आपको पता होना चाहिए कि ये राजा जिंदगी में कभी हार नहीं माने और न ही किसी युद्ध में हारे हैं। फिर भी इन्होंने आखिरकार क्यों अशोक अपना शस्त्र को त्याग कर दिए, यानी कि लड़ाई झगड़ा से मुक्ति पा लिए और इस लड़ाई झगड़ा के संसार से मुक्त हो गए। आखिर क्या हुआ इनके साथ, जो इंसान कभी हारा नहीं है, आखिर उसको कौन सी ऐसी बात लग गई जिसके वजह से वो अपना शस्त्र को त्याग दिए, वही इसमें जानेंगे। ठीक है, इनके लेखक कौन है बाबू, तो देखिए यहाँ पे वंशीधर श्रीवास्तव। ठीक है, अब देखिए ये कहानी कुछ इस प्रकार से है। ये उस समय की बात है जब अशोक मतलब मगध के राजा थे। ठीक है, और मगध के राजा और चाणक्य ने, चाणक्य अशोक के गुरु हैं। ठीक है, यहाँ पे आप याद रखिए चाणक्य अभी अशोक के गुरु हैं। उन्होंने सपना देखा था अखंड भारत का, यानी कि भारत को एक देखना चाहते थे और ये काम सिर्फ अशोक कर सकता था और अशोक को अपने गुरु की इच्छा को पूरा करना था। ठीक है, और देखिए अशोक वैसे 100 भाई थे लेकिन 99 भाई जैसे चाणक्य जानते थे कि यह काम सिर्फ अशोक ही कर सकता है। और आपको पता होना चाहिए कि जब लोग राजा होते हैं, ठीक है, तो भाई भाई में सिंहासन के लिए ही लड़ाई हो जाता है। जैसे कि आप बाहुबली मूवी देखे होंगे, इसमें भी सिंहासन के लिए ही लड़ाई रहता है, वैसे ही इसमें भी मजबूरन अशोक को अपने 99 भाइयों का कत्ल करना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि पटना में अगम कुआं है, कहा जाता है कि अशोक ने अपने भाइयों को मार करके उसी अगम कुआं में डाल दिया था। अब आगे देखते हैं इसमें होता क्या है, कहानी का दूसरा दृश्य क्या है कि जो भारत था वो बहुत सारे छोटे छोटे इलाकों में टूटा हुआ था, राज्यों में टूटा हुआ था और वहां पे लगभग बहुत सारे राजा थे। ठीक है, तो सब राजाओं से अशोक बोल दिए कि देखिए कुछ राजाओं से मतलब कुछ वो एक अनाउंसमेंट कर दिए, मतलब सब लोगों से बोल दिए कि देखिए अगर सारे राजा लोग मेरे अधीन आ जाए, ठीक है, मेरे अंडर में रहें और जो राजा मेरे अंदर काम नहीं करेगा, ठीक है, उसको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। लगभग सभी राजाओं ने आकर के आत्मसमर्पण कर दिया और जो राजा आत्मसमर्पण नहीं किए, आत्मसमर्पण का मतलब होता है कि अपना हथियार डाल करके और अशोक के अधीन आ जाना, अशोक की छत्रछाया में आ जाना। ठीक है, अब यहाँ पे कहानी कुछ इस प्रकार से है कि जब एक राज्य था ऐसा कलिंग, उन्होंने हार नहीं मानी, वो बोले कि हम अपना राज्य क्यों किसी को दे। ठीक है, वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। युद्ध काफी दिन तक अशोक के साथ चलता रहा और युद्ध में लगभग करीबन 4 साल के बाद से युद्ध कलिंग के राजा मारे गए। तो वहां से जो समाचार लेकर के सूचना आया, ठीक है, संवाददाता, और आकर के बताया कि 4 साल युद्ध के बाद तो इधर के भी लाखों सेनाएं मरी, इधर के भी दोनों तरफ, मगध का भी, मगध के राजा कौन थे अशोक और कलिंग के जो राजा थे, यहाँ राजा का डिस्कस नहीं किया गया, उनकी बेटी के बारे में, राजकुमारी के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, और इधर के राज्य के तरफ के भी लाखों सैनिक मारे गए 4 साल के बाद से वहां के राजा मारे गए कलिंग के। अब देखिए कहानी में ट्विस्ट कैसे आता है, जब वो मारे गए और आके ये न्यूज सुने कौन, अशोक, उसके बाद से बोले तो खुशी की बात है, अब तो हम लोग कलिंग पर राज करेंगे, अपना झंडा फहराना चाहिए वहां पे। ठीक है, तो बोले कि अच्छा ये बात है, लेकिन फिर भी सूचना देने वाला काफी मायूस था और वो मायूस, तो राजा पूछे अशोक कि तुम मायूस क्यों हो, तो खुशी की बात है ना, तो बोला कि ठीक है लेकिन अभी वहां के सैनिक आत्मसमर्पण नहीं किए, अभी भी उस महल का गेट बंद है और कोई वहां पे आत्मसमर्पण नहीं किया है। तो बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, हम चलते हैं सुबह में और वहां पे अपनी सेना हम खुद स्वयं चलेंगे और सेना का नेतृत्व करेंगे, यानी सेना हम खुद वहां पे ऑर्डर देंगे और वहां पे अपना झंडा क्या करेंगे, लहरा करके आएंगे। तो जब सुबह हुआ और ये लोग वहां पे गए, तो वहां पे जब गेट को खोला गया, जब ललकारा ये लोग, तो वहां से जब गेट खोला गया तो सामने ये लोग क्या देखते हैं, मतलब भव्य दृश्य देखने को मिला। अशोक देख रहे हैं कि पूरे की पूरी जितनी भी वहां की नारी है, स्त्री, ठीक है, वो पूरा का पूरा एक पुरुष के वेश में, ठीक है, शस्त्र के साथ एकदम युद्ध करने के लिए तैयार है और अपना क्या बोलते हैं उसको, शस्त्र त्यागने के लिए नहीं, वो लड़ने के लिए आई थी। और इधर से अपने सैनिक को ये काफी ज्यादा मोटिवेट कर चुके थे कि इस बार किसी तरह हमको कलिंग पर विजय प्राप्त कर लेना है। और उधर महारानी पद्मा, ठीक है, वो अपने जितनी भी स्त्री लोगों में, ठीक है, जितनी भी सेना बनाया गया था, लगभग देखिए होता क्या है कि लड़ाई में लगभग पुरुष मारे जा चुके थे, ठीक है, अब कलिंग के तरफ से स्त्री ही सिर्फ लड़ने के लिए बची थी
और जब ये देखे एकाएक अशोक तो बोले कि ये कैसे संभव है, हम तो कभी स्त्री पर हाथ मतलब तलवार उठाते नहीं है, ठीक है, ये एक प्रकार का मानव धर्म ही नहीं है कि स्त्री पर हाथ उठाया जाए, ठीक है। तो ये दिमाग में इनका मतलब इनके दिमाग में ये था, ये एक प्रकार का संस्कार समझ गया। अब यहां पे हो गया कि जब पद्मा आई और वहां पे बोली कि अशोक से युद्ध करने के लिए ललकारी, तो अशोक डायरेक्ट मना कर दिए कि नहीं, हम स्त्री पर हाथ नहीं उठाते हैं, ठीक है, स्त्री को हम ऐसे मतलब लड़ते हुए भी नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे पद्मा बोली अच्छा, बहुत खुशी की बात है कि आप तो स्त्री को मतलब स्त्री से लड़ाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक बात बताइए, उस स्त्री के जितने भी लड़के आपसे लड़ाई किए हैं, बहुत ही जितनी भी नारी जाती है, जिस युद्ध में आपने बहुत सारे सिपाहियों को मार दिए हैं, ठीक है, वो भी तो किसी के पति होंगे, किसी का बेटा होगा, ठीक है, किसी का भाई होगा। तो उस कंडीशन में आज इतनी मतलब पूरी की पूरी स्त्री दुख में है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये नहीं देख सकते आप स्त्री से लड़ाई नहीं कर सकते, आपको किसी भी हालत में युद्ध लड़ना होगा, क्योंकि आज इस मतलब ये कंडीशन में लाने का जिम्मेवार सिर्फ आप हैं। हम लोग तलवार क्यों उठाएं, ये सारे के सारे वजह आप हैं, ठीक है। आप लोग अशोका मूवी देखिएगा, उसमें कुछ हद तक इसमें दिखाया गया है, ठीक है, कैसे लोगों को, अशोक तो महान राजा थे और वीर भी थे, ठीक है, और कैसे वहां पे सीन दिखाया गया है जो कि कैसे मार रहे हैं, ये भी दिखाया गया है, और लास्ट में कलिंग के बारे में भी दिखाया गया है। अब पद्मावत लड़ने के लिए जिद कर रही है और यह बोल दिए कि यह हमारा मतलब धर्म में कहता ही नहीं है कि स्त्रियों पर हाथ, अपना त्याग मतलब तलवार और हथियार वो क्या कर दिए, त्याग के अपना सर झुका लिए और बोले कि जितने भी लोगों का हम सर काटे हैं, ठीक है, आज मेरा सर झुका हुआ है, आप काट सकती हैं, ठीक है। अब यहां देखिए, जब ये अपना सर झुकाए तो यहां पद्मा जो बोल रही है कि नहीं, हम निहत्थे लोगों पर हाथ मतलब तलवार नहीं उठाते हैं, ये भी मेरा एक नारी धर्म ही समझ लीजिए कि हम निहत्थे पर हाथ नहीं उठाते हैं, हम भी तलवार नहीं आपको आपको आपकी जिंदगी बख्श मतलब बख्श देते हैं, ठीक है, ये बात बोली। इस हिसाब से अशोक अपने पूरे सेना को हथियार डालने के लिए बोल दिए और उन्होंने प्रण ले लिया, कसम खा लिया कि आज के बाद वो तलवार नहीं उठाएंगे और नहीं किसी पर वार करेंगे और नहीं अपने वजह से किसी को परेशानी में डालेंगे, ठीक है। और उस समय अशोक ने अपना मतलब पूरे अखंड भारत का सपना उनका गुरुजन का था, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने शस्त्र को त्याग दिया और बौद्ध पीला वस्त्र पहन करके और बौद्ध धर्म अपना लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब उसमें जो भी बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है, शपथ लिया जाता है, उसमें दिया गया है कि हम प्रण लेते हैं कि आज के बाद किसी भी व्यक्ति पर मतलब हथियार नहीं उठाएंगे, ठीक है, और अपना बौद्ध धर्म अपनाने का अलग अलग नियम होता है, आप लोग उसमें देख लीजिएगा। वैसे ये क्वेश्चन में पूछता नहीं है, ठीक है, आप सिर्फ कहानी समझ लिए, क्वेश्चन में ये पूछा है कि आखिरकार पद्मा ने, ठीक है, अशोक को निहत्था पाने के बावजूद भी क्यों नहीं मारा, यही सब क्वेश्चन पूछता है। तो ये आपका इस कहानी को सुनने के बाद अब इसका जवाब दे सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय।